ये हम लोग अब आ गए हैं इरावान म्यूज़ियम के एंट्री पॉइंट पर। हमेशा की तरह यहाँ भी आपकी मेडिकेशन और सैनिटाइजेशन हो रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे आप सैनिटाइज़र से अपने हाथ साफ़ कर सकते हैं एंड यू हैव टू राइट डाउन योर नेम एंड टाइम। आई ऑलरेडी राइट डाउन। दीज आर द वॉलंटियर्स, दोज आर गिविंग द ड्यूटी ओवर हियर। दिस इज़ फॉर द मेडिसिन शावर ओवर हियर। अब मैं चलता हूँ टिकट काउंटर की तरफ। स्वादी खा, आई एम लुकिंग फॉर वन टिकट। कपून खा, मैंने ये टिकट ले लिया है। ये टिकट काउंटर है, ये मैंने अपना टिकट चेक करा लिया। कपून खा, मैं इस समय बैंकॉक के समुद्र प्रकान में इरावान म्यूज़ियम में हूँ, जो कि म्यूज़ियम होने के साथ एक मंदिर भी है। ये मंदिर है सबसे बड़ी एरावत की मूर्ति। ये दुनिया में एरावत की सबसे बड़ी मूर्ति है, जिसे थाई भाषा में इरावान कहा जाता है। महाराजा इंद्र, भगवान इंद्र के वाहन एरावत, जिन्हें हम संस्कृत भाषा में एरावत कहते हैं, उसे थाई भाषा में इरावान के नाम से जाना जाता है। इस म्यूज़ियम का नाम इरावान म्यूज़ियम है और ये बैंकॉक के समुद्र प्रकान में स्थापित है। और यहाँ भगवान ब्रह्मा, भगवान गणेश और बौद्ध भगवान के मंदिर स्थित हैं। और यहाँ आप एरावत की, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं, उस पर प्रसाद चढ़ा सकते हैं। इन धार्मिक भावनाओं के अलावा भी जो ये मूर्ति है, ये स्टैचू है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एरावत का स्टैचू है। मैं बताना चाहूँगा उन सारे इंडियंस को जो यहाँ आ चुके हैं और जो यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं, जिनका फ्यूचर में थाईलैंड आने का प्लान है, वो अपनी टूरिंग लिस्ट में इस जगह को ज़रूर रखें। तो आप अपनी टूरिंग लिस्ट में इस जगह को ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये श्री गणेश का टेंपल है। ये म्यूज़ियम अंदर से इतना खूबसूरत है, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये महाराजा भूमिबोल रामा 9, उनका स्टैचू है, उनकी मूर्ति है। बहुत ही सम्माननीय आदमी, महान इंसान, जिनका थाईलैंड की डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा हाथ है। ये आप देख सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज।
ये मैं अब इस म्यूजियम में इसके ऊपर के फ्लोर में जा रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ लकड़ी की बनी हुई हैं और जो इसकी रेलिंग्स हैं वो संगमरमर और किसी धातु की बनी हुई हैं। ये मैं यहाँ इसके फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। सो ब्यूटीफुल। मैं इस समय इन तीन सिर वाले हाथी की मूर्ति के एक सिर के अंदर बैठा हूं। वहां पे ये खिड़की बनी हुई है, वहां से ये सारा शहर दिख रहा है। और जिस केबिन में मैं बैठा हूं ये हवा के साथ हिल रहा है। दिस इज नॉट इजी टू फील। मुझे सच में इतनी ऊंचाई से डर लग रहा है और ऊपर से ये मेरा केबिन हवाई जहाज की तरह हिल रहा है। इट इज स्केरी। इस सीढ़ी के ऊपर ये आप देख सकते हैं, ये आखिरी छत है। यहाँ ये सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। इन्होंने मुझे मना कर दिया कि ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, तो मैंने ये रिकॉर्डिंग अभी इस खिड़की में जाके करी थी। अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। जो ये बहुत ही नैरो, बहुत ही संकरी सीढ़ियाँ हैं जो लकड़ी की हैं। दिस इज ये पूरा सीढ़ियों का जो रास्ता है पूरे तौर से हिलता है जब कोई नीचे उतरता है या चढ़ता है। ऐसा लगता है कि किसी रस्सी से बांधी हुई लकड़ी की पटरियों पे हम उतर रहे हैं और वो हवा के साथ झूल रही है। आप मेरे पैरों की आवाज सुन करके समझ रहे होंगे, ये बहुत ही मजबूत लकड़ियां हैं जिन पर रोज हजारों लोग चढ़ते और उतरते हैं, पर इसमें डर की फीलिंग की कोई कमी नहीं है। अब मैं एग्जिट पॉइंट पे हूं इस म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोर पे।